नमस्कार, इनबीसी न्यूज की विशेष पेशकश सारथी में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, सारथी इस उपक्रम के द्वारा गोपाल परिवार फाउंडेशन एवं इनबीसी न्यूज के संयुक्त तत्वावधान से सारथी भाइयों के कई सवालों के हल यहां दिए जाते हैं। सबसे पहला सवाल आज सारथी भाइयों की ओर से आ रहा है कि जिस प्रकार से लोडिंग होती है, काफी अवैध लोडिंग हो रही है आजकल, उस अवैध लोडिंग को रोकने के लिए साथ ही साथ सारथी भाइयों को उस लोडिंग की परमिशन देने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? मैं प्रहलाद अग्रवाल, गोपाल परिवार फाउंडेशन का अध्यक्ष। ये आज से नहीं, काफी टाइम से हो रहा है, पर इन दिनों में सरकार के सहयोग से ये जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। सरकार नॉमिनल ऑनलाइन चलान करके या ऑनलाइन परमिशन देके पैसा वसूल करके इनको परमिशन देती है, जिसका मिसयूज करते हैं। और बहुत से लोग तो सरकार से टाई अप करके अपना ये बिजनेस चला रहे हैं। अब मैंने अपने सारथी भाइयों से और जो गोपाल परिवार फाउंडेशन के साथ जुड़े लोग हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, जहां भी कोई भी आप गलत गाड़ी देखो, चाहे वो किसी भी स्टेट की है, पहले हम महाराष्ट्र में वो गलत गाड़ियां नहीं आए, महाराष्ट्र सरकार से अर्ज करेंगे कि महाराष्ट्र में स्वच्छ महाराष्ट्र को बिल्कुल स्वच्छ बनाइए, यहाँ कोई गलत लोडिंग नहीं हो। गलत लोडिंग हो, अगर मान लो कोई गलत लोडिंग वाला माल पहुंचाना है, तो उसको सरकार लिखित में अच्छे रूप में परमिशन दे, न कि जैसे मेरी जानकारी में आया है कि कोई गाड़ी 5 ट्रैक्टर भरी हुई है, उससे भी 2000 का वो लिया जाता है, किसी गाड़ी में 12-11 ट्रैक्टर भरे, उससे भी 2000 लिया जा रहा है। सरकार खाली नियम बनाती है, उस नियम का पालन कैसे होता है और किसके लिए होना चाहिए, वो सरकार को सारथी भाइयों की हेल्प के लिए आगे आना पड़ेगा और उनको सारथियों के लिए सोचना पड़ेगा। साथ ही सारथी भाइयों की तरफ से एक सवाल हमेशा आता है रेस्ट हाउस का। रेस्ट हाउस की सुविधा नहीं है सारथी भाइयों के लिए, तो इस ओर सरकार ने किस प्रकार से कदम उठाने चाहिए? साथ ही साथ जो है सारथी फाउंडेशन द्वारा और सारथी उपक्रम के द्वारा क्या इस पर विचार किया जा रहा है? सरकार ने एक कदम उठाया है, मोदी जी ने कुछ हजार रेस्ट हाउस बनाने का नक्की किया है, पर वो किस कोस्ट पे कैसे आएंगे उसका कोई खुलासा नहीं है, क्योंकि गरीब सारथी भाई को और गरीब सिंगल मोटर मालिक को नॉमिनल खर्चे में, जैसे 100-120 रुपया मैक्सिमम खाने का होना चाहिए, 10-20 रुपया मैक्सिमम पार्किंग का होना चाहिए, और उस वहां सारथी भाई को हर सुविधा मिलनी चाहिए। जैसे मैंने अपने सारथी भाइयों से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अपील की है कि आप जिस भी ढाबे पे जाओ, जहां भी अच्छी सुविधा है, उनसे पूछो कि वो सारथी भाइयों के लिए क्या विशेष कर सकता है, जिससे उनका बिजनेस बढ़े और सारथी भाइयों को अच्छी जगह और अच्छा मतलब चोरी चकारी वाली जगह से बच के उनका काम हो। हाल ही में 8 मार्च को हमने जागतिक महिला दिवस मनाया है, वैश्विक महिला दिवस मनाया है, तो सवाल ये भी आता है कि ड्राइवर लाइन में महिलाएं किस प्रकार से अपना परचम लहराएगी? साथ ही साथ यदि महिलाएं इस सारथी लाइन में आती है तो उनकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाएगी, ये सवाल उपस्थित होता है, इसका जवाब आप किस प्रकार देना चाहेंगे? सारथी बहनों को भी इस लाइन में सारथी बहनें आई हैं, पर बहुत कम आई हैं, ऐसा मेरी जानकारी में है, और उनको इस लाइन में लाने के लिए पहले ई रिक्शा मतलब फोर व्हीलर इनमें उनको लाया जाए, जिससे सिटी में वो अपना सुबह 6 बजे या 7 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक अपनी गाड़ियां चलाएं और अपना सारथी भाइयों के से कंधे से कंधा मिला के या अपने साथी से कंधे से कंधा मिला के उनके लिए हेल्प करे और उनकी इनकम बढ़े, जिससे कि वो अपने परिवार को, विदेशों में ये चीज आम हो चुकी है। लेकिन आपराधिक डाटा के अनुसार देखा जाए तो कई एक्सीडेंट्स में जो है महिलाओं का हाथ ज्यादा होता है, इसको किस प्रकार से नियोजित किया जाएगा, किस प्रकार से प्रशिक्षित महिलाओं को किया जाएगा, ताकि जो सारथी लाइन में आकर, ड्राइवर लाइन में आकर, वो यशस्वी रूप से जो है ड्राइवर बन सके? उसमें जो आपका कहने का मतलब मैं समझा है, उसमें मेरे हिसाब से ऐसा है कि जो एक्सीडेंट करते हैं वो या तो बच्चियां जो अभी गाड़ी सीख रही हैं, वो जो गाड़ी चलाती हैं, उनसे मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है कि उनसे कोई ज्यादा एक्सीडेंट हुआ, या जो लेडीज ड्रिंक करती हो, ड्रिंक्स करके गाड़ी चलाती हो, उसमें 1-2 हादसे सुनने में आए हैं। बाकी लेडीज के हादसे, क्योंकि वो अपनी सेफ्टी का विशेष ध्यान रखते हैं, ऐसा मेरा मानना है, और लेडीज साथी अगर लाइन में आएंगी तो मेरे ख्याल से, और सरकार को इनके लिए
कोई एक स्पेशल जैसे सौ नंबर 112 नंबर ऐसे कुछ नंबर बनाए हैं उनके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए और उनके केबिन जो हैं वो इस तरह के होने चाहिए, अगर वो मान लो साथी में आती हैं तो उनके जो व्हीकल हैं वो इस तरह सेफ होने चाहिए कि कोई भी उसमें कोई भी तकलीफ दे उसको कोई असर नहीं हो, तो ही बहने आ सकते हैं क्योंकि उनको टाइम मिल जाएगा वो 100 नंबर पे 112 नंबर जो भी हैं सरकारी हेल्प के उन पे फोन करके उनकी मदद ले सकती है, जिससे कि जो गलत आदमी है उसको डर रहेगा और आम पब्लिक को भी इस मामले में सहयोग देना चाहिए। गोपाल परिवार फाउंडेशन द्वारा सारथी भाइयों को राष्ट्रहित में शपथ दी जा रही है, क्या विशेषता बताना चाहेंगे, किस प्रकार की शपथ है और क्या विशेषता है इसकी? मेरा ये मानना है कि मैं उनको सच्चा सारथी शिव सैनिक बनाना चाहता हूँ। शिव सैनिक का मतलब है कि शिव हमारा एक देवता है जो हरेक को देते हैं, वो किसी से कुछ नहीं मांगते, न उनको उनकी अच्छी पूजा भी चाहिए, जबकि देखने में आया है तो जो मैंने अभी डिक्लेयर किया है कि मेरे साथ जो भी जुड़ेगा सच्चा सारथी शिव सैनिक बनेगा और भारत को आगे लाने में और अपने चार भाइयों को, चार में जैसे एक किसान, जवान, खुद और मजदूर महान, इन चार की वो हेल्प करके लेके और जहां भी गलत हो रहा है उसको उनकी हेल्प लेके रोकेगा और सरकार की हेल्प भी करेगा और राष्ट्र की हेल्प भी करेगा। सारथी भाइयों के लिए सरकार द्वारा उनके कल्याण अंतर्गत तक कई जो है सुविधाएं प्रदान की गई है, लेकिन उनके विषय में जानकारी ना होने के कारण कई बार जो है सारथी भाई इससे वंचित रह जाते हैं। उन्हें जागरूक करने के लिए किस प्रकार से जो है उपक्रम चलाया जा रहा है सारथी कार्यक्रम के तहत? जो भी हमारी टीम में शामिल हुए हैं उन सबको कहा गया है कि जहां भी आप सारथी के लिए जो भी हेल्प मिले, जैसे आयुष्मान कार्ड है, इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिस जो सारथी को, और मैं तो एक अर्ज सरकार से करूंगा कि सरकार को एक सारथी से कम भी 5 से 10 लाख के बीच में हर साल की इनकम है, चाहे वो टैक्स के रूप में गिन लो, चाहे वो जो वो चीजें यूज करता है उसके जीएसटी के रूप में कर लो, तो उसके लिए एक सरकार की तरफ से इंश्योरेंस होना चाहिए कि अगर किसी भी दूसरे की गलती से अगर वो चला जाता है तो उसके परिवार को कुछ न कुछ, जैसे फौजियों के लिए सरकार ने किया हुआ है कि भाई नौकरी देते हैं या पैसा देते हैं, तो ऐसी हेल्प सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए और सरकार को जागरूक होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में सारथी एक्स्ट्रा होते थे जो विदेश में जाके नौकरी करते थे, आज 20 से 25-30% ड्राइवरों की शॉर्टेज है, उस शॉर्टेज को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि हमारे अभी भी मेरे हिसाब से 20 से 30% बच्चे खाली घूम रहे हैं जिनको जॉब की जरूरत है, अगर वो इस लाइन में आए और सरकार उनको फैसिलिटी देके लाइन में लाए तो ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रहित में काम होगा। आज के इस कड़ी में सारथी भाइयों के विकास एवं उत्थान के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं तो यही आज के बच्चों से जिनसे पढ़ाई मतलब नॉमिनल हो पाती है, जो पढ़ नहीं पाते या घर की किसी भी परिस्थिति की वजह से, उनको सारथी लाइन में आना चाहिए क्योंकि इसमें ग्रोथ भी है। पहले गाड़ी सीखिए, गाड़ी सीखने के बाद आप काम कीजिए, काम करके दो पैसा कमाइए और फिर अपनी गाड़ी बनाइए, जिससे कि आप अपने परिवार को, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मैंने एक उपक्रम किया था कि सारथी को मोटर मालिक बनाने का, तो मैंने 60 से 70 के 100 के बीच में सारथियों को मोटर मालिक बनाया था, वो मेरे पास 50,000-40,000 रुपया लेके आते थे और मैं उनको जो भी गाड़ी 3 लाख की 4 लाख की होती थी देता था और बैंक इंटरेस्ट से उनसे पैसा लेता था और उनको काम देता था ऐसे, और वो आज सारे के सारे सुखी हैं और उसमें 2-4 लोग तो ऐसे निकले हैं जो आज मेरे कंपटीटर भी हो चुके हैं। दर्शकों, देश के विकास में सारथी भाइयों का काफी बड़ा हाथ है, देश के उत्थान में सारथी भाइयों का काफी बड़ा हाथ है और जिस प्रकार से इस सारथी कार्यक्रम के तहत इनबीसी न्यूज एवं गोपाल परिवार फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान से सारथी भाइयों के कई सवालों के जो है हल इस कार्यक्रम के तहत बताए जा रहे हैं, तो देखते हैं अगले कड़ी में किस प्रकार के सवाल आते हैं और किस प्रकार का हल जो है हम प्रहलाद जी से जानते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं था मनीष टेमरे और हमारे साथ थे प्रहलाद अग्रवाल।